संयुक्त राष्ट्र में भारत की 2-2 की यूएनएससी ब्रीफिंग में बोली रुचिका कंबोज, यूएनएससी में भारत स्थायी सीट का हकदार, विश्व में बढ़ रहा हमारा कद। दुनिया के 10 सबसे महंगे शहरों की सूची हुई जारी, न्यूयॉर्क और सिंगापुर को संयुक्त रूप से मिला पहला स्थान, सूची में भारत के 3 शहर शामिल। रूस ने यूक्रेन को धकेला अंधकार में, यूक्रेन की बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, यूक्रेन ने यूरोप से लगाई मदद की गुहार। उत्तर कोरिया पर अमेरिका और जापान ने लगाए प्रतिबंध, किम के ताजा मिसाइल परीक्षण बनी वजह, परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रमों से जुड़ी 3 संस्थाओं पर भी प्रतिबंध। तालिबान ने वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रसारण रोका, पत्रकारिता के सिद्धांतों के उल्लंघन का लगाया आरोप। समुद्री रास्ते से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा चीन, जिबूती में बनाया सैन्य अड्डा, अमेरिकी अधिकारियों का बड़ा खुलासा। इनमें कोविड प्रतिबंधों पर बवाल, गुस्साए लोगों ने कोविड सेंटर में लगाई आग, शी जिनपिंग के खिलाफ भड़के चीन के लोग। गुजरात में पीएम मोदी ने पाटन में की जनसभा, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना, कहा कांग्रेस हारती है तो ईवीएम को जिम्मेदार ठहराती है। पांडुचेरी के पूर्व सीएम नारायण सामी का बयान, डीएमके के विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेगी कांग्रेस, रंगा सामी के शासन में भी कांग्रेस जैसा शासन। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान, प्रदेश में भी लागू होगा कॉमन सिविल कोड के लिए जल्द बनेगी कमेटी, मध्य प्रदेश गृह विभाग ने उत्तराखंड से ली जानकारी। दिल्ली में 3 दिसंबर को सभी सरकारी स्कूल बंद, दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश, एमसीडी चुनाव की तैयारी के चलते स्कूल बंद। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में टली सुनवाई, कंडोलेंस की वजह से नहीं हुई सुनवाई तारीख फिर बढ़ाई गई। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर कांग्रेस की बैठक, आज शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा, विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में जुटी कांग्रेस। पटना के निजी नर्सिंग होम में तोड़फोड़, बदमाशों ने डीएसपी के साथ की बदसलूकी, घटना के वक्त नर्सिंग होम में ही मौजूद थे डीएसपी। नागपुर जेल में गांजा सप्लाई का मामला, पुलिस ने रैकेट का किया पर्दाफाश, 2 जेल कर्मचारी समेत 5 कैदी गिरफ्तार। फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने कोस्टा रिका को 4-2 से हराया, लगातार दूसरी बार ग्रुप स्टेज से हुआ बाहर, जापान और स्पेन की टीम को नॉकआउट में मिली जगह। एशिया कप को लेकर रमीज रजा ने फिर दी भारत को धमकी, कहा मेजबानी छीनी तो टूर्नामेंट से हट जाएंगे। आईपीएल 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी, 23 दिसंबर को कोच्चि में 991 खिलाड़ियों ने कराया है रजिस्ट्रेशन, भारत के सबसे ज्यादा 714 क्रिकेटर।